आती है आपको? वैसे टाइम की बात है, परसों रात मुझे अभी नींद से आ रही है। अभी नींद से आ रही है। आज सुबह तीन ब्रेड खा लिया आपने? पहले एक ही नहीं खाया जा रहा था? इतने नहीं खाता था। अच्छा, मतलब खा क्यों नहीं पाते थे आप? ये मेरे जी जी दिखती थी और फिर जी में जो थी मेरी रख के चल जाती। अच्छा, ऊपर लग जाती थी वो ना दांतों में दोनों साइड, जैसे हमारे लिए। अच्छा, रास्ता नहीं मिलता था खाने का? जैसे ये हमारी जीभ है और इससे बराबर दांत है। अच्छा, जीभ सूज गई, सूज गई थी ऊपर भी रही थी। हाँ, और वो खा नहीं पाते थे उससे, जख्म बन गए थे। अब वो नीचे हो गई है? हाँ, अब नीचे हो गई है, सूजन है वो कम हो गई है। हाँ, ये पीते हैं? दूध पिया कल आपने? अच्छा, चाय पी आपने? हाँ, चाय ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। पानी पी रहे हैं? अच्छा, बीन सिगरेट पीते हैं आप? मैं आपसे जो सच बात है, नुकसान देगी आपको। अच्छा, इससे पहले कहाँ गए थे आप इलाज कराने के लिए? ये जी टीवी। उन्होंने क्या बोला आपको? उन्होंने कहे तुम्हें जैसे चाहता टूटी जाती थी, कभी तुम्हें कुछ नहीं आज तक देखा ही उन्होंने, और बाद में फिर उसे सिटी स्टेन में से कमी नहीं जाते। फिर लास्ट मारे जो 5 बजे, कितनी बार बायोप्सी हो गया आपका? 4 दफा, 2 बार ऑपरेशन थिएटर में रही मेरे। तो जो लास्ट में ली मेरी 22, क्योंकि उसी से मेरी बात बंद हो गई है। उन्होंने क्या है, मेरी जीप को यूं दबा दिया, यानी जो हमारी जीप सी दी है, तो जैसे जिस भी दी, तो उन्होंने क्या है, जीप को यूं कर दिया। अब जैसे मेरे खाना, नहीं उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने बार बार आपका पीस लिया, उसमें कैंसर नहीं आता था। जब एक बाद में बायोप्सी हुई आपकी, उसमें वो कैंसर आया। उनकी गलती नहीं थी वो। हाँ, उसमें क्या होता है कि जब पूरी जीव होती है, उसके चारों तरफ से लेना होता है पीस, तो कभी कभी किसी में आता नहीं है, और जहाँ बाद में लिया है उसमें आ गया है वो, तो सारे में वो फैलता है। तो इस साइड में था नहीं पहले, इस साइड में था, जिसकी वजह से आपको पता चला है। तो उन्होंने क्या बोला ऑपरेशन करने के लिए बोला आपको? मेरे बारे में आपको किसने बताया? ये हमारी जमाई है। अच्छा अच्छा, वो कहाँ काम करते हैं? वो नोवा केयर में काम करते हैं वो। नहीं, उनका मेरे पास फोन आया था, तो उन्होंने देखा था एक बार यहाँ आए थे, कैंसर के पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा था। और भी पेशेंट हमारे पास में आते हैं, उन्होंने बताया था कि इस तरह से मैं अपने फादर लोग दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये कहते थे जैसे उनकी देर देर की भी तुमने बचा, ये रहेगी कि आपको ऑपरेशन भी निकलवाना पड़ेगा, सब। अब देखो, आप कह रहे थे पहले कि मेरे ऊपर से तलवा होता है, दांतों के बीच में आ जाता था, मुझे खाया नहीं जाता था। अब आपको 6 दिन में इतना आराम मिल गया, तो क्या जरूरत पड़ेगी ऑपरेशन की, लगता है आपको? नहीं, ना पहले तो बड़े ऑपरेशन, मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको ऑपरेशन जरूरत ना पड़े, मैं इसको ऐसे ठीक कर लूंगा, ठीक है? आप दर्द की दवाई भी नहीं खा रहे हैं आप? चलो ठीक है, आगे ध्यान रखिए, कोई भी दिक्कत आती है कभी भी तुरंत वापस आ जाइए, ठीक है? ये इनका पूरा वाइट था, ये जिब्बा निकालो, और ये पूरा वाइट था, रेड हो गया। और जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ, और आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप टेंशन ना लें, मैं आपकी सेवा करूंगा, जो आपके पास हो जाए दे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो आपने पहले किए थे, मैंने आपसे फीस नहीं ली थी, और बाद में आप लोगों मेरे पास नहीं है, मैंने कोई बात नहीं, आप इलाज करिए। जो दवाई दी थी वो फ्री में दी थी, दूसरी बार भी जो सब चाहिए फ्री में थी मेरे पास, लेकिन आपको दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, ठीक है? ये हिंदुस्तान है दोस्तों, चमत्कार होते हैं, चमत्कार करने वाला चाहिए।
चमत्कार करके दिखा दिया है डॉक्टर केपी सिंह जी ने। बात करते हैं डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस मरीज के बारे में? मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कैंसर एक ऐसी बीमारी होती है जिसका नाम सुन के भी पेशेंट आधा रह जाता है, परिवार वाले आधे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चमत्कार तो होते रहे और आगे भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो बीमारी को उसके रूट कॉज को ठीक करता है। जैसे इनको कैंसर की प्रॉब्लम थी, इनका टंका कैंसर है, इनको मतलब डायग्नोस नहीं हो पाया, चार बार इनका पीस लिया तब भी नहीं हो पाया, लेकिन मैंने जो फाइनल रिपोर्ट देखी उसमें डायग्नोस हुआ था कि इनको कैंसर है, डिटेक्ट हो गया वो। तो इन्होंने वहाँ जीटीवी में कई बार दिखाया है, तो इनकी अब अगस्त में डेट दी है ऑपरेशन की, तो तब तक तो पेशेंट मर जाएगा, मर जाएगा तब तक। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसा सिस्टम है जो 114 प्लांट से मात्र 38 मेडिसिन बनती है और वो रूट कॉज पे काम करती है। आज तक कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसी पैथी नहीं है जो रूट कॉज से ट्रीटमेंट करती हो। अकॉर्डिंग टू 5 एलिमेंट थ्योरी हम उस पर इलाज करते हैं। वो क्या होता है कि हमारे 5 मेजर ऑर्गन होते हैं जिसमें हमारा वुड होता है, वुड को बोलते हैं हम लीवर। दूसरा होता है हमारा फायर, फायर को बोलते हैं हार्ट। तीसरा होता है हमारा अर्थ, अर्थ को बोलते हैं स्प्लीन। उसके बाद में आता है हमारा मेटल, मेटल को लंग्स बोलते हैं। उसके बाद 5 में आता है हमारा वाटर, वाटर को किडनी बोलते हैं। अगर आपने 5 ऑर्गन को ठीक कर लिया तो ये बीमारी आगे आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये 2 से एनर्जी लेते हैं, 2 को देते हैं। इसके ही बेस पर पूरी जो हमारा सिस्टम चलता है, इसी के आधार पर चलता है। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं जो टंग है, अगर हम हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ये हार्ट से कनेक्ट होता है, सेंसरी ऑर्गन है हार्ट का ये, तो अगर हम इसको मेडिसिन देते हैं तो ये प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो जाती है। डायग्नोस की अगर हम बात करें तो कैंसर पाया गया, तो किस स्टेज पे पाया गया? ये देखो कैंसर क्या है, कैंसर की स्टेज ही क्या होती है, पता तब चल जाता है कि जब पूरी तरह से वो फुलफिल हो जाता है। मीन जिसकी सेकेंडरीज होते हैं इसको कैंसर कहते हैं। एक होता है बेनाइन, एक होता है मैलिग्नेंट। जिसको मैलिग्नेंट कहते हैं वो होता है रियल कैंसर। बेनाइन क्या होता है, बेनाइन की स्टेज ऐसी होती है हम उसको जड़ से ठीक करते हैं, रूट से ठीक कर देते हैं, बेनाइन जो है वो ट्रीट हो जाता है। लेकिन जो ये होता है इसके सेकेंडरी होते हैं, तो हमें ये देखना कि इनका कितने उसमें फैला हुआ है। तो अभी इन्होंने पैट स्कैन का हुआ है, पैट स्कैन में अभी ज्यादा कुछ नहीं फैल पाया अभी है, लेकिन ये डर रहता है कि आगे ना बढ़ जाए। तो हमने सारे ऑर्गन्स की मेडिसिन इनको दे दी है जिससे कि आगे ना फैले, और जितना फैला है, जितना हुआ है, वो उस रूट कॉज को जो टिश्यू डैमेज हुआ है उस टिश्यू डैमेज को रिपेयर करते हैं जिससे कि पेशेंट जल्दी से रिकवर होता है। तो अंदर ये करिश्मा हुआ है हमारा, 6 दिन के अंदर करिश्मा है कि बाबू जी अब खाना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक टुकड़ा नहीं खा पाते थे। आज उन्होंने बोला ना अभी कि मैंने उसको डिप किया और बड़ा करके खाया मैंने। पहले जो जीभ थी वो स्वेलिंग थी जिसकी वजह से दांत नीचे आते हैं, च्यूइंग करेंगे तो उसमें दिक्कत होती थी, तो जीभ तलवे में लगती थी, अटैच थी वो। तो पहले से काफी रिकवरी है, और मैं समझता हूँ कि अगले जो एक हफ्ते बाद बाबू जी आएंगे तो ये कहेंगे मैं अब 80% ही हूँ। कुल मिला के ऑपरेशन की नौबत नहीं आने वाली, मेरी कोशिश ये रहेगी कि इनको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो अब जीभ है वो नीचे आ गई है, अब ये खा सकते हैं। मेरे पास में एक पेशेंट ये नहीं है, मेरे पास में और पेशेंट चल रहे हैं। एक लीवर सिरोसिस ऐसी बीमारी होती है जो कि लाइलाज होती है। मैं अब की बार में आपको जल्दी एक पेशेंट आने वाले हैं लीवर सिरोसिस के, जिनका जयपुर गोल्डन में इलाज चला था, जयपुर गोल्डन में 1 महीने एडमिट रहे थे, उसके बाद में वहां से एम्स रेफर किया था। वो पेशेंट अभी मेरा चल रहा है, उसका बीपी जो था ऊपर का 180 नीचे का 120 और शुगर था। आज मैंने उनकी शुगर की बीपी की दवाई सारी बंद कर दी है और पेशेंट की 80% रिकवरी हो चुकी है। तो ये एक ऐसी पैथी है, एक ऐसी पैथी है जो रूट कॉज को खत्म करती है, जड़ से इलाज करती है। और पैथी में इसमें डिफरेंस ये है कि वो सिम्टोमेटिकल ट्रीटमेंट देती हैं, हम रूट से ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया 5 ऑर्गन को, जितने भी 5 ऑर्गन बताए हैं, 5 ऑर्गन से पूरी बॉडी चलती है। ये बहुत बड़ा खास टॉपिक है, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, और जल्दी से हम एक कैंप प्लान कर रहे हैं। हमारा सारा जो पंपलेनर तैयार हो गए हैं, आपको जरूर इन्वाइट करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम बीड़ी पीते हैं, तो क्या ये कैंसर हम ये माने कि बीड़ी की वजह से हुआ या नहीं? बहुत सारे कॉजेज के लिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। ठीक है, बीड़ी से होता है, सिगरेट से होता है, खान पान से होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि हम रूटीन चेकअप नहीं कराते। अगर हम रूटीन चेकअप कराएं तो शायद पता चल सकता है, जब सारा चीज हो जाते हैं तब कराते हैं, तो उसका कोई यूज नहीं है ना।
अब जैसे आजकल देखा होगा बहुत सारे उस पर व्हाट्सएप पर फेसबुक चल रहे हैं ये टेस्ट कराओ टेस्ट कराओ, टेस्ट ही होते हैं, उनसे कोई ज्यादा पता नहीं चलने वाला। इसके लिए पैट स्कैन पहला, उसमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारी कहाँ ग्रोथ हो रही है, अबनॉर्मल ग्रोथ, उसको जल्दी से जल्दी फोन आउट कर लेते हैं और वो आगे नहीं बढ़ने देते। क्या कहना चाहेंगे बाबू जी, इलाज बढ़िया? क्या समस्या थी आपको, क्या खान पे खा पी नहीं रहे? नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा था, बोल नहीं पा रहा था, जैसे बोलता था तो मेरी जीत दोनों तरफ दांतों में टकराती थी और ऊपर देते थे और पांच दिन वो इतना ऐसा भी नहीं खा रहा, बिल्कुल नहीं खा जाता था, मुझसे चौबीस घंटे तरह से तड़पते रहता था, ये रहता मैं मर जाऊँ। कितने दिन हुए यहाँ आए? मेरे 5-6 दिन हुए बस। 5-6 दिन हुए, हाँ। आराम पड़ा है? हाँ, पूरा आराम पड़ा। अब कुछ खा पी रहे हैं? खान पी रहे, खा रहा हूँ, खा रहा हूँ। क्या क्या खाया? ब्रेड भी खा दिए, चराधी रोटी भी खा ली मैंने, और रोटी भी खा ली। हाँ, और जो उर्दा, हाँ, ये सब खाया। चल रहे उर्दा जो बनाया था उसने, तो मैंने उससे अपने घरवाले से ये मैंने मुझे मन करता मेरे उर्दा में थोड़ा मुझे ऐसी मक्खियाँ निकाल दे तो निकाल दे, तो फिर अपना नाम बताएं। मेरा नाम है नंदकिशोर। नंदकिशोर जी कहाँ से आए हैं आप? ये ओल्ड सिंहपुरी साहब पुराने। इनके बारे में कहाँ से पता चला, किसने बताया आपको? ये हमारे जमाई है, वो सोने बहने रहते हैं, मेरी जो लड़की है उन्होंने मुझे बताया था, उन्हें किसी ने बताया था उनको कैंसर था, तो कह रहे थे भाई तुम बचाओगे मैं, तो उन्होंने इलाज चलाया, अब वो 2-3 साल से ठीक हैं, तो वो कह रहे पापा जी मैं आपको वहीं ले चलूँगा और आप बहुत ठीक हो जाए, तो फिर हम ऐसा आए। इलाज से खुश है? हाँ, बहुत खुश है। कोई पैसा वगैरह? नहीं 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 नहीं।